हाय गाइस, मैं हूँ राहुल भट्ट और अब मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहूंगा, खास करके हार्ड गेनर्स को लेके, जो जिनको डिफिकल्टी होती है वेट पुट ऑन करने का, या तो यू नो पुटिंग ऑन मसल। अभी हार्ड गेनर्स हमारे साइंटिफिक जार्गन में इटोमॉर्फ बॉडी टाइप से जाने जाते हैं। अभी इटोमॉर्फ बॉडी टाइप्स की एक सेट प्रोटोकॉल होती है डाइट और खास करके ट्रेनिंग को लेके। डाइट में प्रोटीन तो चाहिए फॉर एवरी केजी ऑफ बॉडी वेट, मे बी 2 ग्राम्स कंजर्वेटिवली स्पीकिंग, मगर कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सो फॉर एवरी केजी मे बी एवरी 3 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट कंजर्वेटिवली स्पीकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज होती है, वेयर द कार्ब हैज टू बी, द कार्ब काउंट हैज टू बी मोर देन द प्रोटीन। और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत सारे इटोमॉर्फ्स हार्ड गेनर्स इन एन एफर्ट टू यू नो वर्क हार्ड कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो नहीं, दे नीड टू वर्क आउट लेस बिकॉज उनकी रिकवरी, उनकी जो मैकेनिज्म है बॉडी की, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में, इट्स नॉट एबल टू रिकवर फास्टर। तो मोर इनफ्रीक्वेंट ट्रेनिंग, मगर दे हैव टू लिफ्ट हैवी लिफ्टिंग इज स्टिल द वे टू गो, नॉट अ क्लासिक पंप स्टाइल वर्कआउट्स। और जा रही बात एक्सरसाइजेस में, दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द कंपाउंड लिफ्ट्स, जो बिग बॉडी पार्ट्स है, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, मिलिट्री प्रेसेस, चिनअप्स, डिप्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। बाइसेप ट्राइसेप आइसोलेशन एक्सरसाइज करने से उनको कुछ ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हाँ, तो साइंटिफिक डाइट जिसमें कार्ब्स आर मोर देन द प्रोटीन एंड द करेक्ट ट्रेनिंग रेजीम, कॉम्प्रोमाइजिंग मोर ऑफ कंपाउंड मूवमेंट्स, ट्रेनिंग हार्ड बट एंड इनफ्रीक्वेंट, एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। या Thank you.